हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि DVR को ऑनलाइन अपग्रेड कैसे करते हैं, क्लाउड अपग्रेड। अभी जैसे ये लोगो आ रहा है, ठीक है, तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे अभी मॉडल है F1-SC 0801 F1-SC 0401 F1-SC या फिर 0801 E1-H या 8 चैनल का हो 0801 E1-H 0401 E1-H, तो उसको अपग्रेड कैसे करना है और अपग्रेड क्यों करें। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे F1-SC है हमारा, तो उसमें 5 मेगापिक्सल भी हमारा सपोर्ट करता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनवैलिड फॉर्मेट लिख करके आ रहा है। जैसे ये स्क्रीन में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जो वीडियो लॉस लिखा हुआ है वो आपका 2 कैमरा चलेगा 5 मेगापिक्सल का, और बाकी रेस्ट जितने भी कैमरे हैं वो आपके इनवैलिड फॉर्मेट लिख करके आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इनवैलिड फॉर्मेट, सारे इनवैलिड फॉर्मेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइस ख़राब है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है कि इसको ऑनलाइन आप फॉर्म, पहले क्या होता था पुराने वाले में कि फॉर्मवेयर आपको मंगाना पड़ता था, ठीक है, या फिर आप मुझसे मांगते थे तब मैं आपको मेल पर भी भेजता था, उसके बाद वो अपडेट करते थे मैनुअली प्रिंटर के थ्रू। अब करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ आपको इसको ऑनलाइन कर देना है। ये जैसे ये नेट का केबल है हमारा, इसे हम लगा देंगे, ठीक है। हम जैसे ही लगाएंगे ये डायरेक्टली आपके पास पॉपअप आ जाएगा, और अगर पॉपअप नहीं आया यहाँ पर अपग्रेड का, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क में TCP/IP में, इसको ऑनलाइन कीजिए पहले, जैसे ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, कुछ IP लॉट हो गया, हम चेकिंग इंस्टॉल ऑनलाइन आ गया हमारा, ठीक है। अब हम जाएंगे सिस्टम में, यहाँ अपग्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम चेक करने का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। अगर आप USB से कर रहे हैं अपग्रेड तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली USB से आ जाएगा ऑप्शन, अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन है DVR आपका, ये मैं 4 मॉडल में आपको बताया हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिख भी दूंगा कि कौन कौन सा मॉडल है, चेक कीजिए। यहाँ पर ये देखिए न्यू फॉर्मवेयर इज अवेलेबल ऑन द सर्वर, ठीक है, ये आपका इस डेट का, पहले कौन सा चढ़ा हुआ था ये देख लीजिए, इन्फो वर्जन पहले था 28/5/2018 का, अभी हम चेक कर रहे हैं तो ये हमें दिखा रहा है 28/7/2019, यानी 6 महीने आगे का, ठीक है। याद रखिएगा जब ये अपग्रेड हो तो पावर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलती से भी नहीं। अगर ये कट हुआ पावर तो फिर आपको DVR को सर्विस सेंटर ही भेजना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक उसका सॉफ्टवेयर जो है करप्ट कर जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, लोगो आएगा, लोगो के बाद वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करना है आपको, सीधे अपग्रेड कर देना है। तो ये यहाँ पर पूछेगा लेटेस्ट फॉर्मवेयर सपोर्ट, यस ओके, ये देखिए अपग्रेड होना शुरू हो गया। ये 4 मॉडल में है, 0801 F1-SC मॉडल में, और E1-H K1-H, ये जितनी मॉडल लेटेस्ट वाले आ रहे हैं उसमें सारा का सारा जो है आपका ये आ जाएगा आपका। बंद करो, पुश करो, नहीं लिया, या फिर एक देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया एक चीज और, तो ये भी आपका सामने डायरेक्टली पॉपअप आपके पास आ जाएगा, इसको भी आप अपग्रेड कीजिए, ओके कीजिए, ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 तरीका से, या तो आप इंस्टॉल ऑनलाइन करके कर लीजिए, जैसे ही लाइन केबल लगाइएगा, या वाईफाई से जैसे भी इसको नेट मिलेगा ऑटोमेटिक सिस्टम को अपना रिस्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो ये है आपका फर्मवेयर को अपग्रेड करने का विथ द हेल्प ऑफ क्लाउड, इसे बोलते हैं क्लाउड अपग्रेडेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि नई टेक्नोलॉजी भी CB+ कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। थैंक यू।